हमारे पास एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम सर, हमें करना है, हमें बहुत कुछ करना है, हमें दुनिया बदलनी है। भाई तूने टारगेट बनाया अपना, सर टारगेट तो हमसे बनता ही नहीं है। तो आज के वीडियो में हम सेट करेंगे कि इंसान को टारगेट कैसे सेट करना है। टारगेट सेट करने की इंसान की अपनी क्षमताओं पे निर्भर करता है कि इंसान कितना बड़ा सोच सकता है। अगर आपने तय कर दिया कि इस साल मुझे 1 करोड़ का टर्नओवर करना है, 1 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए उसे 12 महीने काम करना पड़ेगा, और 12 महीने काम करने के लिए 1 महीने में 30 दिन काम करना पड़ेगा, और 30 दिन में वो बंदा कितना घंटा काम करता है। तो सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हैं ना, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको अपने पेपर पे करनी पड़ेगी। कि साहब मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आपके उस प्रोडक्ट से आपको 50 रुपए का फायदा होता है, तो आप तय कर लीजिए कि 1 दिन में आप कितना प्रोडक्ट बेचेंगे, कि आपको एक सर्टन अमाउंट मिलेगी। उस सर्टन अमाउंट में मान लीजिए आप मंथ में 26 दिन ही काम करते हैं, संडे आप ऑफ करते हैं, तो आप उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आपका मंथली हुआ, उसको आप 12th मंथ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको फाइनेंशियल जो टारगेट है उतना आप कर लीजिए। अगर वो आपको समझ में आ गया कि साहब मुझे 10,000 रुपये या से लेके 1 करोड़ रुपए तक कमाना है, 1 करोड़ कमाने के लिए साहब आप मान के चलो, या आपको थोड़ा इजी कर दूं इसको, मैं थोड़ा और इजी कर लूं, मान लीजिए आपको 12 लाख कमाने हैं, आपको तो 12 लाख कमाने के लिए आपको मंथली 1 लाख कमाना पड़ेगा। 1 लाख कमाने के लिए आपको 30 दिन में कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब आपके पास एक टारगेट है कि आज के दिन मेरे को इतना माल बेचने का है, बेचने का है, बेचने का ही है। तो अब आपकी रणनीति, आपका जो खोपड़ा है ना, उस अकॉर्डिंग काम करेगा। किसे कॉल करना है, क्योंकि जब आपके पास टारगेट होगा ना, तो आपको आलस नहीं आएगा, आपको बोरियत तो फील नहीं होगी, आपका मूड कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। मूड खराब होगा फिर भी काम करना पड़ेगा। साहब यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, यही होता है सेल्समैन के अंदर। इसीलिए दुनिया के सबसे शानदार पैसे वाले कौन है, सेल्समैन होते हैं, क्योंकि उनके पास टारगेटेड है, उनकी ट्रेनिंग भी टारगेट के रूप में इन्हें करवाई जाती है। तो इसीलिए आप भी अपने टारगेट को अपने अकॉर्डिंग सेट करें। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं मैं। आप क्रिकेट को देखते हैं ना, क्रिकेट ये हमारी पूरी लाइफ ही 2020 की तरह ही है साहब। 2020 में क्या होती है, पहले जो टीम खेल जाती है, खेलने वाले टीम एक टारगेट आपको देते हैं कि आपको साहब 150-200 रन आपको मारने हैं। तो जो दूसरी टीम खेलती है ना, उसके पास पता होता सारा रिकॉर्ड कि साहब 200 रन बनाने हैं 20 ओवर के अंदर, हमारी पर ओवर की एवरेज क्या होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग को, अपनी रणनीति को चेंज करते रहते हैं। तो मेरे भाई, क्या तूने 2020 का मैच खेला है? नहीं खेला है ना, तो खेलना शुरू कर, अपनी रणनीति बना। तेरे पास में तेरा फाइनेंशियल ईयर का जो तू टारगेट लेके बैठा है, वो तेरे उस 2020 मैच का टारगेट है। वो तुझे कैसे ओवर करना, उसे स्प्लिट कर ले और अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग बना, और मैदान में कूद जा। अपने अकॉर्डिंग तेरा खोपड़ा काम करेगा, नए नए प्लानिंग, नए नए रिसोर्सेज तुझे मिलेंगे, और तू उस फाइनेंशियल ईयर में अपना टारगेट पूरा कर पाएगा। इसी प्रकार के अमेजिंग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।